नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव और इंटरैक्टिव सत्र हमारे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। जी हाँ, हम हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आज का ये सत्र लेकर आए हैं जो कि हिंदी विषय पर है। और आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है साखी कबीर दास जी। तो अगर आज के सत्र से जुड़े हुए आपके कोई भी प्रश्न हैं, क्योंकि मैम कहीं दोहे पढ़ेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कहीं दोहे पढ़ेंगे, उनके मतलब हमें समझाएंगे, तो आपके कोई भी प्रश्न हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे गेस्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी सारी शंकाओं का हल आप पा सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं आज के हमारी मेहमान से। आज हमारे साथ इस सत्र के लिए जुड़ी हैं डॉक्टर वंदना शर्मा। मैम स्वागत है आपका। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैम एनसीईआरटी दिल्ली के भाषा शिक्षा विभाग हिंदी में कार्यरत हैं। और अगर आप मैम से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आज के जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 8800440559। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in। और क्योंकि इस वक्त आप हमें YouTube पर लाइव नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही हमारा ये सेशन YouTube पर अपलोड होगा, तब आप इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है NCERT Official, जिस पर आप इसका पुनः प्रसारण, हमारे सत्र का रिपीट जो ब्रॉडकास्ट है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए सत्र में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि कक्षा 10 के हमारे छात्रों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हम आज का ये सत्र लेकर आए हैं। हिंदी का सत्र है, पहला पाठ है और शीर्षक है साखी कबीर दास जी। मैम, हालांकि हमें शीर्षक से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इस सत्र में। आज हम कबीर दास जी द्वारा साखी पढ़ेंगे और ये कक्षा 10 के लिए है और स्पर्श से लिया गया पाठ है जी। और इसके अंतर्गत हम कबीर दास जी द्वारा जो भी उपदेश दिए गए साखी के अंतर्गत, वो हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं जी। बिल्कुल, हम ये साखियां पढ़ेंगे, उनके मतलब भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमें कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो कौन थे, उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय आप हमारे छात्रों के साथ और दर्शकों के साथ साझा कीजिए जी। कबीर दास जी भक्तिकालीन साहित्य के जाने माने संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये युग दृष्टा, समाज सुधारक और क्रांतिकारी संत के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जनमानस में चेतना फैलाने का कार्य किया। ये पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने, इनका प्रभाव इतना अधिक था कि इनकी बातों को जनमानस में आज तक भी दोहराया जाता है। कबीर दास जी के बारे में कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने खुद कहा है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने कलम को और कागज को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी इनके द्वारा अत्यधिक प्रभावशाली बातें लिखी गई। इनके गुरु का नाम रामानंद है और इनके द्वारा जो जनमानस में उपदेश दिए गए, उनको इनके शिष्य धर्मदास ने साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों में इनको संकलित किया जी। तो ये तो मैम बहुत ही आपने अच्छे से बताया कि वो कौन थे। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद उन्होंने जो दोहे कहे, जो साखियां कहीं, वो आज तक तर्कसंगत है, रेलेवेंट है। तो मैम हम अब इस सत्र में आगे बढ़ते हैं और पाठ शुरू करते हैं जी। पहले मैं शुरू करने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि साखी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है साक्षी। इसका मतलब है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको इसमें दिखाया गया है। तो जन समाज के मध्य जो भी गतिविधियाँ हो रही थी, जो भी सामाजिक कुरूतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, कर्मकांड था, उनको कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। कबीर दास जी एक ऐसे संत कवि के रूप में थे जो उस समय में जो स्थिति थी समाज की, उससे उन्होंने उनको उभारने का कार्य किया और जनमानस के मध्य एक लहर चेतना फैलाने का कार्य किया। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में वो सारी समस्याएं नहीं है, वो सारी समस्याएं आज भी है, लेकिन जब इन दोहों को पढ़ते हैं तो ये दोहे आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक हो जाते हैं जी।
तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत 7 दोहे हैं और हम एक एक दोहों को बताते हुए उनकी व्याख्या करेंगे जी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। यहाँ कबीर दास जी ने वाणी की मधुरता का महत्व अभिव्यक्त किया है। वो कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी, वाणी अर्थात वाणी, मन का आपा खोई, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे व्यक्ति सुनकर उसका मन प्रसन्न हो जाए, अपना तन शीतल करे और औरन को सुख दे। वह अपना मन, अपना तन सुख प्रदान करने के साथ साथ वह दूसरों को भी सुख प्रदान करे, ऐसी वाणी का हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। कभी कभार ये होता है कि हम कटु शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो कबीर दास जी ने कटु शब्दों के प्रयोग को वर्जित कहा है। इस प्रकार इस दोहे की प्रासंगिकता है। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। इसके अंतर्गत कबीर दास जी ने जो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार ब्रह्म है अर्थात ईश्वर है, उसकी विद्यमानता को बताने का प्रयास किया है। जो मनुष्य होता है वो बाहरी रूप से देखने की कोशिश करता है, जबकि ईश्वर तो हमारे स्वयं के अंदर होते हैं। तो उन्होंने एक मृग का उदाहरण दिया है। देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी अर्थात एक सुगंधित पदार्थ और कुंडली अर्थात नाभि, मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन उसको लगता है कि वो बाहर विद्यमान है, सुगंध उसकी अंदर रहती है और उसको लगता है कि ये बाहर है, तो वो जंगल में विचरण करता, उसको ढूंढता हुआ रहता है। अब कबीर दास जी कह, मृग ढूंढे बन माही, बन अर्थात वन, तो वो वन में उसको ढूंढता रहता है। कबीर दास जी आगे कहते हैं, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, लेकिन घट घट में तो हमारे राम स्वयं के अंदर व्यापक है और हम इसको देखते नहीं है। इस प्रकार कबीर दास जी ने हमारे भीतर व्याप्त निर्गुण निराकार ब्रह्म की विद्यमानता को बताया और हमें उसे बाहर नहीं देखना चाहिए अपितु हमारे भीतर देखना चाहिए। अगले दोहे में, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ कबीर दास जी ने जो स्वयं के अंदर अंधकार अहंकार की भावना रहती है उसका पुरजोर विरोध किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरी नहीं, जब मेरे अंदर मैं का भाव आ गया यानी अहम का भाव आ गया, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, हरी अर्थात ईश्वर। अब हरी है मैं नाही, और अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है तो मेरे अंदर जो भी अहम था अर्थात मैं यानी अहम की भावना, वो समाप्त हो चुकी है। सभी अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, और सारा अंधेरा मिट गया जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक अपने भीतर जलाने का प्रयास किया। दीपक क्या होता है? वो अंधकार को दूर करने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार ज्ञान रूपी ज्योति अगर मैंने मेरे मन के अंदर प्रज्वलित कर ली तो मेरे मन का जो अंधेरा है वो सर्व समाप्त हो गया। इसी प्रकार कबीर दास जी अगले दोहे में कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यहाँ सुखी और दुखी व्यक्ति की परिभाषा इन्होंने बताई है। सुख और दुख किसके लिए अलग अलग संदर्भों में उपयोगी है, ये कबीर दास जी ने बताने का प्रयास किया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, वह संसार सुखी है जो क्या करता है, दिन रात खाता है और सोता है, यानी कि वह विषय वासनाओं में लिप्त है, वो सांसारिकता में विलिप्त है। दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे, लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि ये दुखिया दास मतलब कबीर दास तो दुखी है, दिन रात क्या करता है, अपने ईश्वर की स्मरण में, ईश्वर के स्मरण में जागता है और रोता है। अर्थात जो व्यक्ति सांसारिक वासनाओं का, विषय वासनाओं का भोग करता है, वह केवल और केवल सोता और रोता, खाता है और सोता है, और जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वो निरंतर जागता और अपने परमात्मा प्रियतम की प्राप्ति के लिए हमेशा रोता रहता है। इस प्रकार कबीर दास जी ने अपने तत्कालीन समय में जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रकार की जो
विषमताएं विद्यमान थी उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जनमानस के मध्य गा गा कर अपने दोहों को बताया, क्योंकि उस समय ग्रंथ नहीं थे। तो बाद में उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनके दोहों को शब्दबद्ध करने का प्रयास किया। अगला दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। यहाँ कबीर दास जी ने विरह रूपी सर्प के बारे में बताया कि यदि मनुष्य को विरह रूपी सर्प डस लेता है तो उसको कोई भी मंत्र नहीं लगता, वह किसी भी मंत्र से दूर नहीं हो सकता। राम वियोगी ना जिए जीवे तो ब्योरा होई, ब्योरा अर्थ पागल व्यक्ति, कि राम से विलग, वियोगी अर्थ विलग, अलग होकर जी। राम से विलग होकर यदि कोई व्यक्ति जीता है तो वह पागल के समान माना जाता है। यहाँ राम परमात्मा और मनुष्य के विरह के बारे में बताया। यदि व्यक्ति भक्ति करता है तो किस प्रकार वह अपने परमात्मा के लिए परमात्मा के विरह में तड़पता रहता है, और इसके बिना अगर वह जीना चाहता है तो वह पागल व्यक्ति के समान हो जाता है। आत्मा और परमात्मा की बात है जी, आत्मा और हम उतने लेवल में नहीं जाएंगे कि कबीरदास जी रहस्यवाद के कवि भी थे, तो ये 10वीं तक के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए ये ज्यादा समझना जरूरी है कि इन दोहों का भावार्थ क्या है और यह उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है जी। अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ कबीर दास जी ने जो निंदक व्यक्ति है उसको पास में रखने का बताया कि उसको हमेशा अपने पास में रखिए। क्यों? आंगन कुटी बंधाए, अपने आंगन और कुटिया के उसको बिल्कुल पास में रखिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए, और वह हमें किस प्रकार निर्मल करता है? बिना पानी और साबुन के वह हमें निर्मल कर देता, अर्थात स्वच्छ कर देता। कैसे? कि वह हमें हमारी गलतियां बताता है। जो निंदक व्यक्ति होगा, निंदा करने वाला व्यक्ति होगा, यदि दूसरों की निंदा करेगा तो वो हमारी भी निंदा करेगा, तो वो हमें बताएगा कि हमारे हमारे अंदर क्या क्या कमियां विद्यमान है। तो निंदक को हमेशा हमें अपने निकट रखना चाहिए, दूसरों से सुनने के बजाय हमें अपनी जो कमियाँ हैं उससे सुने, तो हम ज़्यादा बेहतर अपनी कमियों में सुधार कर पाएंगे। अगला दोहा है, यहाँ कबीर दास जी ने प्रेम की विशेषता बताई है। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का पड़े सुपंडित होई। पोथी अर्थात ग्रंथ, पड़ी पड़ी जग मुआ, मुआ अर्थात मर गया। अब पोती पढ़ पढ़ के तो सारा जग मर गया है, पंडित भया न कोई, लेकिन फिर भी कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एके आखिर पीव का, आखिर मतलब अक्षर, अगर कोई एक अक्षर भी अपने प्रियतम परमात्मा का पढ़ ले तो क्या होगा? पढ़े सुपंडित होई, वह पंडित अर्थात विद्वान हो जाएगा। कबीर दास जी ने कहा है कि जो पढ़ना है उसको अलग रखकर क्या करना चाहिए? अपने प्रियतम परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, तभी वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? विद्वान कहलाएगा। अगला दोहा है, हम घर जाड़ा आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाड़ो तास का जे चले हमारे साथी। अब लोग क्या रहते हैं? विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। तो इन्होंने, कबीर दास जी ने इस दोहे में विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए कहा है, और इन्होंने कहा है कि मैंने अपने शरीर के अंदर जो भी विषय वासना थी उनको समाप्त कर दिया है। हम घर जाड़ा आपना, हम घर जाड़ा मतलब मैंने अपने घर को जला दिया है। कौन से घर को? विषय वासनाओं के घर को। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा तार्थ जली हुई लकड़ी, जली हुई लकड़ी लेकर हाथ में, और मैंने विषय वासना रूपी घर को जला दिया है। अब घर जाड़ो तास का जे चले हमारे साथी, उस घर को भी हम जला सकते हैं। तास यानी उनका, जे चले हमारे साथी, जो हमारे इस प्रकार के कार्य में सहायक होगा या जो हमारे साथ चलेगा उनका घर भी हम जला देंगे, मतलब उनकी विषय वासनाओं का घर भी जला देंगे। कबीर दास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर हमारे
शरीर में या हमारे सांसारिक जीवन में विषय वासना है तो हम उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और किसके माध्यम से, केवल और केवल ईश्वर का स्मरण करने के माध्यम से। जी, आपने बहुत अच्छे से ये सारी साखियाँ हमें पढ़कर बताई और इनके मतलब भी समझाए, और हमें समझ आया कि कितने इनसे ऐसे ये कब लिखी गई थी, ना जाने किस सदी में लिखी गई होंगी, और आज भी ये इतनी प्रासंगिक हैं, आज भी हम इनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इन साखियों के जो इसका जो अर्थ है इसे अपने जीवन में उतार के हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर विद्यार्थी बन सकते हैं और एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। मैम, समय हमारे पास अब काफ़ी कम है तो हम अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जो अभ्यास दिए गए हैं इस पाठ के पीछे उन पर एक नज़र डालते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, अब अभ्यास की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? जब हम कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो दूसरों के लिए दुखदायी होते हैं, और जब हम शीतल वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो उनको शीतलता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैसे वाणी औरों को सुख प्रदान करती है, हमारी मधुर वाणी। जी, दूसरा है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? अब दीपक दिखने पर दीपक जिस प्रकार उजाले का कार्य करता है, एक जैसे एक घोर अंधकार वाला कमरा है और उसमें दीपक जला दिया जाए तो किस प्रकार रोशनी फैला देता है? जी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीपक हमारे जीवन में किस प्रकार रोशनी फैलाने का कार्य करता है, तो यहाँ ज्ञान रूपी दीपक की बात कही गई है। अगला देखते हैं, ईश्वर कण कण में व्याप्त है जी, बोलते पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? जी, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है लेकिन हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम बाहरी विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं और हमारे अंदर जो भीतर विद्यमान है, घट घट में जो राम है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। हम सांसारिक मोह माया में उलझे हुए रहते हैं। जी, अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? जी, संसार में सुखी व्यक्ति वही है जो क्या करता है, अपने अहंकार को त्याग देता है। जी, और हम आगे बढ़ते हैं। जी, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने सुझाया है कि हमेशा क्या करना चाहिए, निंदक व्यक्ति को हमें पास में रखना चाहिए ताकि वह हमारी कमियों को हमारे सामने प्रकट कर सके। जी, एके आखिर पीर का पड़े सुपंडित होई। कबीर दास जी कहते हैं कि सारा जग तो क्या कर रहा है, पोथी पढ़ पढ़ कर मर गया है, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है वह क्या करता है, वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर की साखियों की भाषा पंचमेल खिचड़ी कहलाती है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, हरियाणवी आदि का मिला जुला रूप होता है। जी, अगले प्रश्न में हम देखते हैं, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इसका अर्थ ये है कि विरह रूपी सर्प अगर हमारे तन के भीतर है तो इसको किसी भी मंत्र से हम नहीं छुड़ा सकते या किसी भी मंत्र से हम इसको दूर नहीं कर सकते। जी, केवल और केवल राम और नाम के स्मरण से ही इसको दूर किया जा सकता है। जी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। इसका अर्थ ये है कि कस्तूरी हिरण के अंदर रहती है, मृग के शरीर के भीतर रहती है और वो उसको बाहर देखने का प्रयास करता है। अर्थात हमारे भीतर विद्यमान है परमात्मा प्रियतम, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। अर्थात मैं का यहाँ संबंध है कि मैं अर्थात अहम। जिस व्यक्ति में अहम की भावना आ गई उसको कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मैं था तब हरी नहीं,
तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, अब हरि है मैं नहीं। जब मुझे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर से मैं अर्थात अहम का भाव समाप्त हो गया। अगले में हम देखते हैं, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान कोई। इसका अर्थ है कि पोथी पढ़कर पूरा संसार क्या हो गया है, मर गया है, और पंडित भयान कोई, लेकिन कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन पाया है। ये इसका प्रश्न का हल हमने ऊपर भी देखा था। भाषा अध्ययन, अब यहाँ शब्दों को हमें अपने प्रचलित रूपों में करके देखना है। औरन और माही मेरे भीतर या अंदर, देखिया देखा, भुअंगम सर्प, नेड़ा निकट, आंगनी आंगन, साबण साबुन आप जानते ही होंगे साबुन, और मुआ मर गया, पीव प्रिय प्रियतम, जालो जलाना, तास उनका। अब योग्यता विस्तार में हम देख सकते हैं, साधु में निंदा सहन करने से विनयशीलता आती है तथा व्यक्ति को मीठी व कल्याणकारी वाणी बोलनी चाहिए। इन विषयों पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। हम परिचर्चा के माध्यम से बता सकते हैं कि किस प्रकार हमें अच्छे अच्छे शब्दों का या मधुर वाणी बोलने से हमें लाभ हो सकता है। हम अपने मित्रों के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। जी मैम, अब समय बहुत कम रह गया है और हमें ये उम्मीद है कि जो आपने इतने अच्छे से ये पूरा पाठ समझाया, और हम अपने जो छात्रों ने कहना चाहेंगे कि ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी का पहला पाठ है, तो जब भी आप इस सत्र देखें अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने सामने रखें ताकि एक एक दोहा जैसे जैसे मैम साखी का मतलब समझाते रहें आप उसे समझते रहें। और इस पूरे सत्र के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी मेहमान को। जी डॉक्टर वंदना शर्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप यहाँ आए, इतने अच्छे से आपने ये साखियाँ समझाई, और क्योंकि समय का अभाव था तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके अर्थ बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में आप हमारा अगला सत्र देख पाएंगे जो कि लाइव एंड इंटरैक्टिव ही रहने वाला है। फिलहाल के लिए मुझे यानी हरप्रीत कौर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।